हेलो क्लास हियर, आई एम के एन मिश्रा, योर साइंस टीचर। अगेन आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ साइंस। क्लास एट प्रेजेंट वी आर स्टडीइंग अबाउट प्लास्टिक। इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट प्लास्टिक इज डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्लास्टिकॉस, KOS, प्लास्टिकॉस, विच मीन्स केपेबल ऑफ मॉल्टिंग। जो मॉल्टिंग के केपेबल हो उसको हम प्लास्टिक कह रहे हैं। इन प्रीवियस ऑनलाइन क्लास वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट दीज प्लास्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट प्लास्टिक। ऑफकोर्स आई थिंक ऑल ऑफ यू वेल अंडरस्टूड दैट प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब सबको पता होगा, ठीक है, दे आर पॉलीमर्स, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स कंटेनिंग रिपीटिंग यूनिट्स, दे हैव लार्ज मॉलिकुलर वेट, ठीक है। नाउ कम टू थर्मोप्लास्टिक, पहला वाला देखते हैं, थर्मोप्लास्टिक क्या है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर दोज विच कैन बी मोल्डेड व्हेन हीटेड। एक ब्रॉड वे में डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो हीट करने पे दूसरे शेप में चेंज हो सकता है। थर्मोप्लास्टिक इज सच टाइप ऑफ प्लास्टिक विच कैन बी मोल्डेड बाई हीटिंग, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट है दूसरा वाला, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को कभी भी हीट करके रिमोल्ड नहीं किया जा सकता। अभी बताएंगे दोनों का एग्जांपल तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये थर्मोप्लास्टिक के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है आपकी बुक में थर्मोप्लास्टिक के बारे में कि दीज आर थर्मोप्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑडियो डिस्क, सीडी, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है वो बनता है इससे, और शूज़ बनते हैं, हैंड बैग बनते हैं, टॉयज बनते हैं, कोम्स, कार ग्रिल्स एट्सेट्रा, दे आर ऑल्सो फ्लैक्सीबल। दीज प्लास्टिक कॉन्सिस्ट ऑफ लीनियर चेन ऑफ पॉलीमर्स, ये सारी बातें। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक ऑफन एंड मेल्ट एट फेयरली लो टेम्परेचर एंड दे हार्डन अगेन व्हेन दे आर कूल्ड, ये भी प्रॉपर्टी है थर्मोप्लास्टिक की। जब इनको हीट किया जाता है तो ये मेल्ट हो जाते हैं, और उस समय इनका टेम्परेचर अधिक होता है। फिर से जब इनको कूल किया जाता है तो फिर से हार्ड हो जाते हैं, लिक्विड नहीं रहते, कूल करने पर फिर हार्ड। ये थर्मोप्लास्टिक का प्रॉपर्टी है। सो थर्मोप्लास्टिक कैन बी सेड टू हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, क्या करेक्टर होता है इसमें। नंबर वन, दे स्ट्रेच इजिली। नंबर टू, दे सॉफ्टन ऑन वार्मिंग, ठीक है, दे आर फ्लेक्सीबल। एंड लास्ट वन, दे कैन बी रीशेप्ड बाई वार्मिंग, ठीक है। इसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर दोज हुज शेप कैनॉट बी चेंज इवन बाई हीटिंग, जिनके शेप को हम कत्ता ही नहीं चेंज कर सकते, विच कैनॉट बी सॉफ्टन्ड बाई हीटिंग वंस दे आर मोल्डेड इन टू ए शेप। एक बार जिस शेप, जो शेप दे दिया गया वही शेप उनका रहेगा थर्मोसेट प्लास्टिक का, ठीक है। कॉमन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स इंक्लूड बेकलाइट, इस्पॉक्सी रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, पॉलीयूरीथेन एंड सिलिकॉन। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने दो चीज़ों का नाम लिखा, बेकलाइट एंड मेलामिन। इसमें से बेकलाइट का आपके किचन में यूटेंसिल्स का हैंडल बना होता है, प्रेशर कुकर का हैंडल, फ्राइंग पैन का हैंडल, आयरन तवा का हैंडल, ये बना होता है बेकलाइट का। तो बेकलाइट किसका एग्जांपल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, ठीक है। नाउ बेकलाइट इज एग्जांपल ऑफ थर्मोसेट प्लास्टिक, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इट इज़ ऑल्सो हीट रेजिस्टेंट एंड यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। और मेलामिन का क्या यूज़ है ये भी यहाँ पे नोट किया हुआ है आपकी बुक में। मेलामिन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल
It resists fire and can tolerate heat better than other plastic. जलता नहीं है मेलामाइन, जलाने पे जलता नहीं है, लिखा है कैन रेजिस्ट हीट इन कंपैरिजन टू अदर प्लास्टिक, ठीक है। तो इसका होता क्या है फिर, क्या यूज़ है? इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, ठीक है। सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी यूज टू हैव फॉलोइंग। अब थर्मोसेट प्लास्टिक का करेक्टर प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, दे आर हार्ड एंड रिजिड, दे कैन नॉट बी रिमोल्डेड, ठीक। फिर दे बर्न और चैर ऑन हीटिंग, CHAR लिखा हुआ है, चैर ऑन हीटिंग, हीट करने पर बर्न होते हैं। दे डू नॉट सॉफेन और मेल्ट ऑन हीटिंग, हीट करने पर मेल्ट नहीं होते। प्लास्टिक के एडवांटेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्लास्टिक एस मटेरियल ऑफ चॉइस, प्लास्टिक हमारे चॉइस का मटेरियल है, क्यों? नंबर वन, दे आर ऑफ लाइट वेट, पहली बात। दूसरा, दे आर इजी टू हैंडल, ठीक। दे डू नॉट रिएक्ट विथ फूड आइटम, किसी भी फूड आइटम से प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता। और अगली बात, दे हैव लोअर प्राइस एंड शो ग्रेट स्ट्रेंथ, बहुत इकोनॉमिक है, बहुत कम प्राइस इसका है। एज कम्पेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर वेरी लाइट वेट एंड फॉर दिस रीजन दे आर यूज इन द एयरक्राफ्ट, सुपर क्राफ्ट, कार्स, बाइक्स, इन सब में इनका यूज होता है। प्लास्टिक के क्या करेक्टर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? नंबर वन, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव नहीं है किसी भी केमिकल से। दूसरा, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, वेट में बहुत लाइट है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत ड्यूरेबल है ये। और थर्ड प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तीसरी प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टी आपकी बुक में लिखी हुई है। इसके बाद आपकी बुक में हेडिंग है, नो सम अदर फैक्ट्स एंड यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। ये आप जो अदर फैक्ट्स हैं, ये पेज नंबर 52 एंड 53, ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं घर पे पढ़ने के लिए। यहाँ पे नो सम अदर फैक्ट्स अबाउट यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स, सो रीड पेज 53 एंड 54 वेरी थॉरली एट होम। दिस इज़ योर होमवर्क, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू क्लास एवर।